नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, ऑफिसर्स ऑन ड्यूटी विद पंकज झा में आप सबका स्वागत है। हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ख्वाब कभी ना कभी जरूर देखता है। कुछ के पूरे होते हैं और कुछ के नहीं। जिनके पूरे होते हैं वो सफलता के झंडे गाड़ते हैं, हमारे आपके और समाज के लिए कुछ कहते हैं तो उनकी चर्चा होती है। हमारे देश में ब्यूरोक्रेट यानी IAS IPS बनना किसी ख्वाब से कम नहीं। लेकिन क्या जो लोग IAS IPS बन जाते हैं उनकी जिंदगी बस उसी ब्यूरोक्रेसी और जिला जनता और सरकार की सेवा करने में खो जाती है, या फिर उनके ख्वाबों का कोई सिलसिला भी होता है, उनकी लाइफ का एक दूसरा पहलू भी होता है, एक दूसरा चेहरा भी होता है, एक दूसरा कलेवर होता है, हमारे आपके लिए अनजाना, अपरिचित और अजनबी। मैंने सोचा क्यों ना ब्यूरोक्रेसी के उन नामचीन लोगों से मिलें, उनसे पूछें और जानें कि IAS बनने के लिए उन्होंने कितने पापड़ बेले और उनके पर्सनालिटी के दूसरे पहलू क्या हैं, क्या है दूसरा आस्पेक्ट उनकी लाइफ का, ब्यूरोक्रेट के पीछे उनका कौन सा चेहरा है। तो चलिए चेहरे के पीछे के चेहरे की करेंगे तलाश। तो आज इस सिलसिले में हम आ पहुंचे हैं गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के कलेक्टर सुहास LY के पास। सुहास कलेक्टर हैं तो IAS तो होंगे ही, लेकिन इस IAS के पीछे का चेहरा क्या है आज इस कड़ी में जानेंगे। सुहास जी बहुत बहुत बधाई आपको। क्योंकि मेरी शिक्षा सर गांव से शुरू हुई थी, 3 बार सर मुझे स्कूल वालों ने एडमिशन नहीं दी थी, आज पैरालंपिक में मेडल दिखा के आपके बगल में बैठने का सौभाग्य दिलाया है सर, जो मेरे लिए पैरालंपिक मेडल से कम नहीं है। यूपी बिहार में जो कलेक्टर होते हैं DM, उनके घर को बोला जाता है कलेक्टर की कोठी, DM का बंगला। तो हम नोएडा के DM के बंगले पर आ गए और खुद हमारे साथ सुहास जी हैं। तो सुहास जी, आप जो DM बन गए, IAS बन गए, क्या आपने यही बनना सोचा था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। हमें याद है जब बचपन में जब खेत में खेलते थे, कोई एरोप्लेन जाता था तो देखते थे ऊपर कि एरोप्लेन में कभी ज़िंदगी में बैठने का मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। जब बचपन की बात, बचपन की बात है। और धीरे धीरे देखिए, हम सपना वही देखते हैं कि हम जहाँ पहले छोटे शहर में थे उस वक्त तो लगता था कि अंग्रेज़ी मीडियम की एक स्कूल में अगर एडमिशन मिल जाए तो ज़िंदगी की वही अचीवमेंट है। जब वो मिला फिर उसके बाद लगा कि इंजीनियरिंग अच्छी कॉलेज से कर लिया जाए। जब वो किया, जब आप इंजीनियरिंग करते रहते हैं तो लगता है कि अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए। और हम जब जॉब में आए थे तो फ्री में इंटरनेट मिल जाए कंपनी में, लगता था कि हमने कुछ ज़िंदगी में पा लिया है। हमें लगता है कि सपना एक एक कदम कदम चलती गई, सपने का ग्रेडेशन बढ़ता गया। और उसके बाद जब मेरी ज़िंदगी में 2005 में ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी की डेथ हुई, और उसके बाद मुझे लगा कि जैसे कभी भी ज़िंदगी में अगर ऐसे घटना होती है तो हमारे पास 2 विकल्प है, या तो हम, मैं कुछ महीने ऐसे रहा कि ऐसे लगा कि ज़िंदगी ख़त्म सा हो गया है। बट देन बाद में सोचा कि आज की तारीख में अगर मेरे पापा होते तो उनको क्या अच्छा लगता, उनको यही अच्छा लगता है कि मेरा बेटा ज़िंदगी में कुछ करके दिखाए। तो उसके बाद 2006 में मैंने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लिखा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में, जैसे भगवान कहते हैं करते हैं कि उस वक्त मैं जॉब भी छोड़ नहीं सकता था, मैं बैंगलोर में मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता था, बीच में जर्मनी जाना आना होता था, तो मैं सुबह कंपनी जाता था और रात में आके UPSC पढ़ाई करता था। तो अच्छा, मतलब आप नौकरी भी कर रहे थे और अपने ख्वाब को पूरा करने में भी लगे। और नौकरी में जनरली आप जानते हैं बड़े शहर में क्या होता है कि आपको कंपनी कैब बस में आपको भेजती है, कंपनी आएंगे जाएंगे, बट मैं अपने मोटरसाइकिल में जाता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगभग आधा घंटा बचता था, वो आधे घंटे मैं UPSC में पढ़ता था। वो तो आधा घंटा बचा के आप शाम में स्टडी में लगा देता। सो बाद में जब मेरा इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हुआ, मैंने मेरे मम्मी से पूछा कि मम्मी मुझे लग रहा है कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि उस वक्त तो पापा थे नहीं तो मैं अकेला अर्निंग मेंबर था। तो मम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो तो तुम्हारा सपना है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा तो वापस आके दोबारा नौकरी ढूंढ लेना। सो हम यही सोचे कि ठीक है, देखते हैं कि ये तो है ही, पहले वो ट्राई तो है ही, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है कि हमेशा ना जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो बहुत बार हमें रिग्रेट होता है कि काश मैं उस वक्त वो कर लेता, फैसला कर लिया। तो ज़िंदगी में एक चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो है रिग्रेट, क्योंकि बहुत बार बहुत हम बहुत चीज़ें कोशिश करते हैं नहीं होता है, वो ठीक है। जैसे मुझे याद है कि हमारी इंजीनियरिंग के बाद हमें था कि हम MTech करेंगे, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए गेट का एग्ज़ाम लिखा था। गेट का एग्ज़ाम में इंटरव्यू में मुझे रिजेक्ट किया गया, तो
शायद अच्छा ही हुआ। अभी जब पीछे मुड़ के देखता हूँ, अगर मैं उस एग्जाम में पास हो जाता शायद जिंदगी में इतना ना कर पाता जितना डेस्टिनी ने कुछ और लिखा था, जैसे अमिताभ बच्चन वाली कहानी है ना कि आंसर वाला नहीं हो रही है। मुझे लगता है हर इंसान की यही कहानी है कि जब वो, जैसे अभी मैं देख रहा था एक लड़के का बहुत वायरल हुआ है कि यूपीएससी में उसने 6 अटेम्प्ट के बाद वो सक्सेस नहीं कर पाया, बट मुझे लगता है कि डेस्टिनी ने उसके लिए कुछ ना कुछ लिखी ही होगी। और मैं ये हर एक के लिए मानता हूँ कि ये ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आप ज़िंदगी में कितने बार आप सफलता पाते हैं, कितने बार आप फेल्यूर पाते हैं। ये ज़रूर मायने रखता है कि जब रात में हम सोएंगे ये सोचना चाहिए क्या हमने प्रयास किया पूरी शिद्दत के साथ कि नहीं। अगर उसके लिए जवाब हाँ है तो ठीक है, कभी सफलता है यस, कभी नो। तो फिर वो 2006 वाली कहानी अधूरी रहेगी। फिर क्या हुआ 2006 में जब इंटरव्यू में गए, तो मैं ये सोचा था कि देख कभी भी यूपीएससी एग्ज़ाम हो या ज़िंदगी में जब ऐसे कठिन एग्ज़ाम, भले स्पोर्ट्स में भी कोई आप ओलंपिक्स में खेले, तो आपको सफलता गारंटीड नहीं रहती है। तो जब मैंने यही सोचा था कि अगर इस बार नहीं होगा तो मैं अगले बार दोबारा लिखूंगा, उससे क्या होता है कि थोड़ा टेंशन प्रेशर नहीं रहता है, मेंटली प्रिपेयर्ड है कि भाई हम अपनी बेस्ट करेंगे, होगा होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। जब रिजल्ट आया, जब पहले अटेम्प्ट में जब मेरा IAS सिलेक्शन हुआ, जब तब तक मैं, मुझे याद है कि मैं क्योंकि कर्नाटक का रहने वाला हूँ, कभी भी नॉर्थ इंडिया देखा ही नहीं था। पहले बार मैं नॉर्थ इंडिया आया था जब यूपीएससी का इंटरव्यू देना था। अच्छा, दिल्ली मैं ज़िंदगी में, ये मेरे यूपीएससी इंटरव्यू में पूछा भी गया था आप, मैं क्योंकि जनरली होता क्या है कि साउथ इंडिया में जब आप रहते हैं तो यहाँ इतना ज़्यादा हम प्रिपरेशन भी वही कर लिए थे, तो जब दिल्ली आया फिर यूपी कार्डर मिला, यहाँ के जो कल्चर है वो सब देखने को मिला। जैसे कहते हैं ना, ज़िंदगी हमने कभी सोचा नहीं था बचपन में ये सब होगा जिंदगी में। आइए, तो मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए पहली बार नॉर्थ इंडिया, मतलब दिल्ली आए, उससे पहले इधर का चेहरा भी नहीं देखा, उससे पहले इधर का चेहरा भी नहीं देखा था, और ना ही मुझे हिंदी बोलना ऐसे जैसे मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। मुझे तो वैसे जब बचपन में तो किसी के साथ अगर वार्ता भी करनी है तो हिचक होती है, 4 लोग देख रहे हैं, और खासतौर पर हिंदी बोलना तो मुझे आता ही नहीं था। मुझे अभी भी याद है जब मसूरी में हम लोगों की ट्रेनिंग होती है, मैं डेली हिंदी अखबारों को पढ़ता था ट्रेनिंग में, क्योंकि हम लोगों को हिंदी सिखाया जाता है। उत्तर प्रदेश में आप जाएंगे या बिहार में जाएंगे तो हिंदी आना आवश्यक है, तो हिंदी अखबार पढ़ता था, तो उसमें 90% तो समझ में ही नहीं आता था। बट धीरे धीरे जैसे हम सब लोग सीखते हैं ज़िंदगी में, तो ये वैसा ही है। बट वैसे आज की तारीख में तो मैं उत्तर प्रदेश का सिर्फ कार्डर का अधिकारी नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का दामाद भी हूँ, तो इसलिए एक तरह से घर में भी हिंदी रूल करती है। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस। जितना प्यार मुझे उत्तर प्रदेश ने दिया है, सो आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स टू, मैं धन्यवाद बोलने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। सो तो आप जो है, जब पढ़ रहे थे तो आप इंजीनियरिंग में चले गए, आपने इंजीनियरिंग की, तो वो इंजीनियरिंग भी आपके मन का था या आपके फैमिली में कहते हैं कि बहुत सारे इंजीनियर थे, आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते थे? नहीं, एक्चुअली मेरे फैमिली में सब लोग चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। अच्छा, डॉक्टर बनना? डॉक्टर बनूं, और इनफैक्ट मेरे घर में सपना था, क्योंकि प्रकृति ने मेरे पैर में थोड़ा सा कमी रखी है, तो मेरे घर वाले सोचते थे कि इसको हम ऑर्थोपेडिक सर्जन बना लेंगे तो प्रकृति से एक रिवेंज ले लेंगे। अच्छा, तो घर में होता है ना कभी कभी ये होती है। तो जब 12th के बाद मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो भी लिया था, और मुझे ऊपर वाले की कृपा से डॉक्टर की सीट भी मिली। मैंने मतलब MBBS भी किया आपने, क्वालिफाई? यस, MBBS का सीट लिया बेंगलोर मेडिकल कॉलेज में, उस मेरे पापा के साथ काउंसलिंग में गया, मैंने सीट पाई। अच्छा। और उसके बाद घर आया तो घर में मिठाई बटी, और डॉक्टर बन रहे हैं सुहास, बन रहे हैं कि सुहास। तो वो फिर ये हुआ कि मेरे पापा को मेरे दिल की ख्वाहिश पता था कि वो देखे कि पूरे सब लोग खुश है, बट ये जो है ये मायूस बैठा हुआ है। तो वो मुझे बुला के कहे कि जैसे DDLG में कहते हैं कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जा जी ले, तुम अगले काउंसिलिंग में ले जाऊँगा, तुम इंजीनियरिंग सीट ले लेना। तो फिर अगले काउंसिलिंग में ज़िंदगी चुन ली, तो अपनी ज़िंदगी चुन ली, तो इंजीनियरिंग मेरी पसंद थी। तो आई थिंक ये अगेन, ये भी बहुत सारे युवाओं को और खासतौर पर पेरेंट्स को मैं ये बताना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को विश्वास करिएगा, क्योंकि अगर वो मन से कोई चीज़ अगर चुनते नहीं है ना, अगर पढ़ाई में स्ट्रीम हो या अगर स्पोर्ट्स में स्ट्रीम हो या ज़िंदगी में जो भी चुनते हैं, क्योंकि आप देखिएगा, आप ही जैसे जर्नलिज्म कर रहे हैं, अगर आप इसको एंजॉय करके करेंगे, आपको पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब है शाम कब है। अगर एंजॉय नहीं करके करेंगे तो मन करता है कि भाई जाओ घर जाके कुछ ऐसे चीज़ करो कि जिससे खुशी मिले। सही बात कह रहे हैं। तो आपने अपने मन की चुन ली जिंदगी, जो जी ली अपनी जिंदगी वाली। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं परिस्थिति भी ऐसे रही कि मुझे, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ इन द सेंस कि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग अपनी मन की ज़िंदगी जीना चाहते हैं,
बट बहुत सारे लोगों को उतना सपोर्ट या तो फैमिली में नहीं मिलता है अथवा ऐसे फाइनेंशियल कंडीशंस रहती है कि जिससे, जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा, मेरे मम्मी के लिए जब मैंने पूछा कि मम्मी मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ू, मेरी मम्मी ने कहा हामी भरा, हाँ जाके छोड़ो, जैसे मेरे पापा ने कहा, या जो जनरली बहुत लोग परिस्थिति के एक तरह से कि विक्टिम बन जाते हैं, मैं उनके लिए भी ये कहना चाहता हूँ, देखिए परिस्थिति आप भी बदलती रहती है, उस वक़्त जब परिस्थिति कठिन रहती है थोड़ा बहुत, जैसे कहते हैं ना कि व्हेन इट गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, सो व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, तो उस वक़्त थोड़ा सा और धैर्य रखने की बात है, उसके बाद तो जैसे अंधेरे के बाद सुबह आएगी, रोशनी आएगी, तो हर एक इंसान की जिंदगी में। अच्छा, आप जब क्वालिफाई किए थे सिविल सर्विस, तो अभी देखा ना आपने, अभी सिविल सर्विस के रिजल्ट आए और टॉपर मैक्सिमम लड़कियां ही थी। हाँ। आपके जमाने में भी यही हुआ था क्या? जनरली यही होता है, देखिए जनरली जो पढ़ाई लिखाई में जनरली जो आप देखेंगे लड़कियाँ काफ़ी ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में अच्छी रहती है। आप देखेंगे कि अगर इंजीनियरिंग में आप किसी आईआईटी में ले लीजिएगा कि कितने बॉय वर्सेस बॉय एंड गर्ल रेशियो लीजिएगा कि उसमें लड़के बहुत ज़्यादा रहते हैं, ये इंक्लिनेशन के ऊपर है। जनरली मैथ्स या टेक्निकल जो रिजल्ट रहता है उसमें जनरली लड़के ज़्यादा अच्छे रहते हैं, और जनरली ह्यूमैनिटीज में जनरली लड़कियाँ रहती है, ये जनरली देखने का। तो आपने तो इंजीनियरिंग से किया अपना, बीटेक किया, तो सिविल सर्विसेज में आपके सब्जेक्ट क्या थे दो जो? सिविल सर्विसेज में मेरा सब्जेक्ट था ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, उसका कारण है। तो आपने मतलब बीटेक किया और सोशियोलॉजी और पब्लिक एड ले लिया, उसका कारण है कि आप देखिए एक तो यूपीएससी में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है नहीं, ऑप्शनल में इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, और सिविल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट तो है नहीं, और मैं कोई नया सिरे से, और एक और प्रैक्टिकल बात है, अगर मैं खुद एनआईटी से पढ़ा हूँ, अगर मैं इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट पढ़ भी लूँ, मैं किससे कम्पीट करूँगा? सारे इंटेलिजेंट लोग जो आईआईटी से पढ़े होंगे, मैं एनआईटी से हूँ तो आईआईटी से होंगे, तो मैं अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूँगा तो वहाँ ये एक प्रैक्टिकल बिंदु है कि कंपटीशन की लेवल, मतलब मैं उतने अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, मेरे रिजल्ट्स की चांसेस उतनी बेहतर होगी। इसलिए आप देखेंगे बहुत ज़्यादा जो इंजीनियरिंग के जो लड़के हैं या लड़कियाँ हैं, ग्रेजुएट्स हैं, वो लेंगे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट रिलेटिवली उतना आसान है समझने में आपको। उससे पहले तो आपने पब्लिक एड और सोशियोलॉजी तो पढ़ा ही नहीं होगा, तो आपके लिए बिल्कुल नया था। हाँ, तो फिर तो बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी। अगेन इसका जो सिंपल आंसर है कि पब्लिक एड में मुझे वो सब्जेक्ट बहुत प्यारा लगा। अच्छा। को जब मैं, इनफैक्ट जब हमें लिखना था, हमने एक प्लानर की किताब खोली, तो उसमें कि हर सब्जेक्ट की सिलेबस हमने पढ़ डाली, कि साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, सोशियोलॉजी की, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एंथ्रोपोलॉजी की, सब की। जब हमने देखा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस बहुत अच्छी है, तो जैसे अपील करता है, क्यों उसमें शायद वो कारण भी होगा, क्योंकि हम एक तरह से अगर यूपीएससी लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रुचि रखते हैं, तो उसी को हम पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें एक बाद के लिए भी एक तरह से यूज़फुल लगता है। और जब आप किसी सब्जेक्ट को पसंद से चुनते हैं फिर उसका एक तरह से कि रिजल्ट आना भी। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना कि सोशियोलॉजी बड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ। वो भी आपके जहन में था क्या? देखिए ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हम लेते हैं, बट आज की तारीख में क्या है, सारे वो लोग जिस तरह से मार्क्स भी एक तरह से नॉर्मलाइज हो जाती है, हर सब्जेक्ट स्कोरिंग है आपको। इनफैक्ट मैंने जो ज़िंदगी में देखी है, सफलता का मंत्र क्या है, आप जो भी सब्जेक्ट चुने या जो भी करियर पाथ चुने उसमें आपको टॉप 5% में होना है। आप मान लीजिए कि आप खाना बनाने वाले हैं, आपको टॉप 5% खाना बनाने वाले होंगे तो आप 5-star होटल में खाना बनाएंगे। आप अगर मान लीजिए कि आपको सोशियोलॉजी लेने वाले हैं, सोशियोलॉजी अगर 100 लोग लेंगे आपको उनमें से टॉप 5 में होनी चाहिए। आप स्पोर्ट्स खेलेंगे, क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग होंगे, उनमें से आपको टॉप में होना चाहिए। आप कुछ भी सब्जेक्ट ले, ये करियर का, आप ये म्यूजिशियन मान लीजिए आप बनेंगे, म्यूजिशियन तो बहुत सारे हैं, उनमें से टॉप 5%, तो आप जो करियर चुनेंगे ये मान के चलिए सफलता चाहिए तो उनमें से टॉप 5% में आपको होना आवश्यक है। तो आपने चुन लिया सोशियोलॉजी और पब्लिक है। हाँ। तो आपने क्या कोचिंग वगैरह भी की थी? कोचिंग हम नहीं, इसलिए नहीं कर पाते थे क्योंकि बैंगलोर में हम जॉब कर रहे, जॉब भी कर रहे थे, जॉब भी कर रहे थे, तो कोचिंग नहीं, वीकेंड हमें मिलता था पढ़ाई करने के लिए, तो मैं और मेरा एक दोस्त था, हम लोग बैंगलोर में जब पढ़ते थे तो वो आज की तारीख में हरियाणा में आईपीएस अधिकारी है, तो वो भी आप ही के बैच के हैं? वो मेरे से एक बैच सीनियर है, क्योंकि एक बैच पहले 2006 बैच के वो हो गए, तो हम दोनों साथ में पढ़ते थे। हम इनफैक्ट किराए की जो मकान वहाँ ढूंढे थे उसका, जब हम ब्रोकर के पास गए, भैया किराए पर ये चाहिए, तो उसने कहा हाँ दिखा देंगे अलग अलग, हमने कहा कि वहाँ एक लाइब्रेरी ढूंढे थे,
हमने कहा देखो ये लाइब्रेरी से 2 किलोमीटर अंदर चाहिए क्योंकि हमें डेली लाइब्रेरी अच्छा, वहाँ जाना है। उसने भी कहा हमने किराए पे बहुत लोगों को मकान दिलाया है बट कोई आके मुझे ये नहीं बताया इस लाइब्रेरी के 2 किलोमीटर के अंदर किराए पे हमें मकान चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम वही लाइब्रेरी में हम दोनों पढ़ते थे साथ में, हम एक दूसरे से जब आप शेयरिंग करते हैं डिस्कशन करते हैं डिस्कशन करते हैं, कोई कोचिंग नहीं किया, कोचिंग नहीं किया हमने। और एक दूसरे से डिस्कशन करने से एक इनफैक्ट मैं जब दिल्ली पहली बार आया था यूपीएससी इंटरव्यू के टाइम पे मैं देख के डर गया क्योंकि दिल्ली में जनरली जो माहौल कोचिंग करते हैं इंटरव्यू के लिए, नहीं इंटरव्यू करने कोचिंग करना तो ठीक है बट जिस माहौल में एक तरह से कि इतने लड़कों को डरा देते हैं, मैं इनफैक्ट हम भी डर गए कि वहाँ जो प्रिपेयर करते हैं तो वो इतना उस वक्त, अभी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या माहौल है, उस वक्त जब वो कहते थे कि जैसे ऑप्शनल की बात है कि आपने क्या क्या बुक पढ़ी तो वो बताते थे कि कम से कम 6 बुक का नाम पढ़ते थे, बताते थे कि ये बुक हम पढ़े ये बुक हम पढ़े, हमें लगता था यार इनके सामने तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं, हम ठहरेंगे नहीं। हाँ मतलब ये अगेन ये मेरे लिए लेसन है और लोगों के लिए भी कि आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, सिलेबस और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स अगर थोड़ा सा अगर स्मार्ट स्टडी कर लेंगे, बाकी जो ये बहुत सारे गलत फहमियां होती हैं, आप कह रहे हैं कि इससे पहले जो एग्जाम्स में जो सवाल होते थे उन सबको आप एक बार पूरा पढ़ लें पिछले 6-7 साल के। यस, आप एक तो सिलेबस अच्छे से समझिए और पिछले साल की जो क्वेश्चन पेपर्स है वो अच्छे से आप अगर समझेंगे और हर एग्ज़ाम में थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो आप अगर बुक्स की संख्या गिनती करने लगेंगे तो एक कोई आदमी 5 पढ़ेगा तो कोई आदमी 50 पढ़ेगा। और दूसरा ये लोग बोलते हैं कि साहब दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं, हाँ ये मैं पूछने वाला था। बहुत लोग कुछ लोग कहते हैं 18 घंटे का टाइम टेबल होता है, कमरे में लगा देते हैं, इतने बजे नाश्ता इतने बजे लंच तो, और इतनी पढ़ाई। आप कोई भी आप स्पोर्ट ले लीजिए या कोई भी पढ़ाई करने वाले ले लीजिए, ज़िंदगी में वो नहीं सफलता पाता है जो सबसे ज़्यादा घंटा पढ़ाई किया हो या सबसे ज़्यादा घंटा प्रैक्टिस किया हो, हमेशा सफलता वो पाता है जब मौका मिला, जिस दिन उसकी परीक्षा थी या जिस दिन उसकी मैच था उस वक़्त उसने परफॉर्म कैसे की। तो ये जो जिंदगी सफलता का मंत्र है तो उस उन 3 घंटे एग्ज़ाम में आप कैसे करते हैं उसके लिए तो ठीक है आपकी तैयारी होना आवश्यक है और ख़ास तौर पे परीक्षा में भी एंड इवन दैट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आपकी म्यूज़िक परफॉर्मेंस है स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस है। आपको होता क्या है जनरली जब भी हमें कोई परफॉर्मेंस देनी है उस वक्त प्रेशर में आ जाते हैं, अगर हम अपनी नेचुरल परफॉर्मेंस दें वेदर इट इज़ इन एग्जाम्स वेदर इट इज़ इन एनी अदर, आपको स्पोर्ट्स करना है या आपको जर्नलिज्म करना है आपको वकील होकर बहस करना है, उससे जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा आता है। तो ये मतलब आपने कितने घंटे आमतौर पर आप पढ़ते थे क्योंकि आपको तो नौकरी भी करनी होती थी। जनरली हम मुझे याद है सबसे ज़्यादा हमने पढ़ाई किया था 12th में, सुबह 4:30 बजे उठते थे, रात में लगभग 11:30-12 बजे तक पढ़ाई करते थे कंटिन्यूस, अलग अलग ट्यूशन में जाते थे। UPSC के लिए लगभग 4 घंटे डेली पढ़ पाते थे नॉर्मल डेज में, वीकेंड पे हम 8 से 9 घंटे पढ़ते थे। और GK के लिए भी खास तैयारी करनी पड़ती है? GK के लिए तैयारी करते थे, उसमें भी बहुत स्ट्रेटेजिकली करते थे क्योंकि जनरली GK के लिए मटेरियल्स बहुत ज़्यादा रहता है तो उसमें भी सेलेक्टेड देखते थे कि आपको वर्तमान में क्या क्या हो रहा है और क्या क्या पूछ सकते हैं, एक तरह से हम भी इंटेलिजेंट गेस करते थे। बट वो सब समुंदर की तरफ है, आप जितने भी पढ़िएगा जी, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया DD बसु की किताब खरीद लीजिए, कुछ मतलब कॉमन होती है वो सारे आपने किए? वो कुछ तो कॉमन किया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना है तो पढ़ना ही है, जैसे इवन चेस गेम में कहते हैं, जो चेस जानते होंगे उसमें कहते हैं कि स्टार्टिंग का जो मूव होता है लगभग पहले 8 से 10 जो पहले मूव होता है वो किताब में लिखी हुई है, उसमें कोई ये सोच ले मैं नया कर लूँगा वो नहीं हो सकता है। वो UPSC एग्ज़ाम में भी या कोई भी एग्ज़ाम में कुछ जो बेसिक करना है वो करना है, उसके ऊपर बाद में जो जो आप इंटेलिजेंटली करते हैं वो करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ता न्यूज़पेपर भी रिलीजियसली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा और इंटेलिजेंटली गेस करना पड़ेगा कि जैसे आपको करेंट अफेयर्स में या जैसे आपको जनरल स्टडीज़ में साइंस में आज की तारीख में क्या हैपनिंग्स नैरेटिव्स में क्या यस, तो आज की तारीख में आप एक तरह से उनके शूज़ में होकर देखिएगा। आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन भी चाहती है कि हम लोग करंट अफेयर्स में जो अधिकारी रहे तो वो अच्छे से जानकारी रखे, तो वो किस चीज़ को जैसे आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे उसमें हो सकता है कि जब 10 चीज़ें पढ़ेंगे उसमें 2 चीज़ें ऐसे हो सकती है जिसके बारे में आपको एनालिसिस करनी हो। तो मैं तो ये बताऊँगा कि कोई भी एक टॉपिक में जब लिखना हो तो हमने एक मंत्र रखा था कि हर एग्ज़ाम में ये लागू होगा, कोई भी एग्ज़ाम लिखे आप हर पहलू को लिखिएगा, किसी भी एक टॉपिक लीजिएगा कि उसकी फ़ायदा क्या है,
उसकी नुकसान क्या है, अगर ये करेंगे तो इसकी क्या होगी। तो बेसिकली आप कई ब्यूरोक्रेट बनेंगे या कोई भी ऐसे जगह पर रहेंगे, आपको नाप तोल के ज़िंदगी में भी निर्णय लेना पड़ता है ना। तो इसलिए प्रश्न में भी जब जवाब लिखते हैं तो नाप तोल के हर चीज़ रखिएगा उनके सामने। जैसे थाली में आप रखेंगे तो खाना आप जब परोसते हैं, थाली कैसे दिखता है बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में भी थाली दिखना चाहिए, कि सिर्फ खाने की टेस्ट नहीं, दिखनी चाहिए। तो इंटरव्यू में जब गए थे तो क्या सवाल थे इंटरव्यू में? बहुत वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, कई इंटरेस्टिंग सवाल था। तो जनरली जो बेसिक सवाल रहता है कि आप क्यों सर्विस में आना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि ये सवाल तो लगभग सबको पूछते ही होंगे, कॉमन होंगे, और हर एक को अपनी जो दिल की जवाब है वो बोलनी चाहिए। मैं तो इंटरव्यू के लिए ये बताऊँगा कि भाई वो जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को देख चुके होंगे, वेटरन्स हैं। हाँ, तो वेटरन्स हैं, तो आप अपने आप को प्रेजेंट करिएगा। डोंट प्रिटेंड टू बी समवन, बी रियल। कि आप जब रियल रहेंगे ना, वी कैन बी द बेस्ट ऑफ हु वी आर, वी कैन नॉट बी द बेस्ट ऑफ समबडी एल्स। हम अगर ये कोशिश करें कोई और टॉपर ने ये किया था इसलिए मैं उसकी तरफ बोलना शुरू करूँगा, तो वो फंस गया मामला, बिल्कुल फंस गया। तो ओपनली बतानी चाहिए कि आपकी जो, और वहाँ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। हो सकता है कि कुछ फैक्ट्स आपको याद हो सकता है कुछ फैक्ट्स आप बता नहीं पाएंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट है। तो अपनी पर्सनैलिटी को जितना रियल रखेंगे उतना ही मुझे लगता है फ़ायदा होगा। अब जब आप सर्विस में आ गए, आप 2007 बैच के IAS हैं, तो करीबन 15 साल हो गए, लॉन्ग हो गया, तो इन्जॉय कर रहे हैं पूरा फुली? देखिए, कोई भी जॉब हो, कोई भी सर्विस हो, कभी आपको कुछ दिन ऐसे होता है बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन ऐसे होता है कि यार इसमें कुछ और बेहतर होता है या कुछ और दूसरे हिसाब से होता तो और बेहतर होता ऐसे लगता है। बट मुझे फिर भी ये लगता है कि जो सर्विस, जो इस उम्र में जितना मौका भारत देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हम जैसे युवाओं को देती है, शायद ही पूरे दुनिया में कोई ऐसे जॉब नहीं होगा। क्योंकि हम भी, मैं क्योंकि खेलता भी हूँ तो दुनिया देखने का एक मौका मिला है। तो हमें सिर्फ एक एग्ज़ाम हमने लिखा है, पास किया, और उसके बाद समाज ने इतना एक बड़ा दायित्व हमें दिया है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की, प्रकृति की या डेस्टिनी की एक कृपा रही है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि जब हम आज की तारीख में जब हम सोचता हूँ, कॉलेज जब मोटरसाइकिल में जाते थे उस वक़्त तो खुशी बहुत छोटी छोटी चीज़ों में मिलती थी, तो आज की तारीख में जब वो पलट के देखते हैं तो भगवान ने, प्रकृति ने इतना सब कुछ दे दिया, तो ये कभी हम ज़िंदगी में सोचते ही नहीं थे। तो आप कहाँ, कर्नाटक में, सुदूर साउथ इंडिया और फिर UP कार्डर? जैसे मैंने कहा कि आज की तारीख में जितना प्यार सम्मान उत्तर प्रदेश ने दिया है, तो आई रियली लव कर्नाटक। मिस नहीं करते? नहीं, मैं पहले जब मैंने आया था, हाँ, तो उस वक्त लगता था कि कर्नाटक कभी कभी मिस करता था, बट अभी तो जैसे मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश का दामाद ही बन गया हूँ, तो फिर दामाद तो बात है, पहले उससे पहले अभी भी काटर के नहीं, UP काटर के तो हुई, तो मैं आज की तारीख में नहीं करता हूँ। तो मुझे यहाँ का कल्चर और यहाँ हर चीज़ बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये महसूस करता हूँ कि ज़िंदगी में ना, जब भी हमें कुछ मिलता है उससे फिर हम खुश होना लगभग बंद कर देते हैं। मैं इसलिए जब भी दिन में उठता हूँ तो मैं एक बार आई प्रे माई ग्रैटिट्यूड टू गॉड, कि मैं कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था इतना कुछ तुमने दिया है। तो बहुत बार ये देखने को मिलता है, तो ये उसके बाद हम हमेशा, अरे हमें, मेरे पास ये नहीं है सोच के फिर उस को लेकर चिंता पे चले जाते हैं। आपके पास ऐसे भी कभी कभी फ़ोन आते होंगे कि DM साहब बोल रहे हैं और मैं सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, कुछ टिप्स लेने के लिए भी फ़ोन आते होंगे, लोग मिलते होंगे, ऐसा भी होता होगा? होता है, मिलते भी हैं। इनफैक्ट मुझे याद है जब टिप्स लेना चाह रहा था, हाँ, उन्होंने एक महानुभाव थे, तो उन्होंने मुझे IAS अधिकारी ही रहे एक थे, तो उन्होंने मुझे टिप्स दी नहीं थी। उन्होंने कहा था, मेरे बगल में वो कंपनी में एक मैडम बैठती थी, तो उनके वो भाई साहब थे, तो मैंने कहा था कि मैं, उस वक्त मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था, मैंने कहा था कि मुझे टिप्स लेना है, तो उन्होंने ऐसे कहा है कि आप किसी कोचिंग पे चले जाइएगा, वो थोड़ा व्यस्त है आजकल। अच्छा। तो मुझे उस वक्त ये लगा कि अगर मैं कभी, मेरा UPSC सिलेक्शन हो जाएगा, अगर मैं सर्विस में आ जाऊँगा, कोई भी मेरे पास अगर आते हैं तो मैं उनसे प्यार से बात करूँगा। हो सकता है मेरे टिप काम में आए या ना आए, बट मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि भाई मैं ना कोचिंग चले जाइए। तो ये मैं कोशिश करता हूँ कि, बट
हमसे और ज़्यादा लोग, मुझे लगता है, मैं तो ये मानता हूँ जितने लोग इनफैक्ट जिन्होंने जो सक्सेस में, जैसे मेरा पहले अटेम्प्ट में निकल गया, मैं सक्सेस हो गया, मुझसे बेहतर टिप वो दे पाएंगे जो चार अटेम्प्ट के बाद जो हो नहीं पाए, क्योंकि जितना पत्थर उन्होंने खाई होगी ना उतना हमने नहीं खाया है, क्योंकि वी वर लकी। जितने भी आप जिंदगी में सफलतम लोग, आपको ज़्यादा पापड़ नहीं बेलने पड़े, उनको तो बहुत ज़्यादा वो पत्थर घिस घिस गया। आप देखिए जिंदगी में जितने भी सफल लोग रहे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं लक बहुत ज़्यादा फैक्टर रहता है, कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग नहीं रहते हैं। तो वॉरेन बफेट जो अमेरिकन इन्वेस्टर है उसने कहा था कि भाई अगर वो अमेरिका में पैदा ना होकर कोई अफ्रीकन कंट्री में पैदा होता वो दुनिया के दूसरा रिचेस्ट आदमी होता ही ना। हमें लगता है कि वी शुड नो वाई वी आर सक्सेसफुल एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू द फैक्टर्स। आप भी कुछ कुछ जो आपके ये हैं सर्विस के लोग, वो लोग टेड टॉकर भी बन गए हैं यूट्यूब पे, कैसे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करें। मैं अपने बिहार के कुछ बिहार काडर के IAS दोस्तों को जानता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों को जानता हूँ। आपके मन में भी कोई ऐसी तमन्ना है कि कुछ इस तरीके से करें कि जो लोग ऐसा करना चाहते हैं बनना चाहते हैं उनको मदद मिले? टेडेक्स कोई ऐसा प्लानिंग आपने सोचा है? टेडेक्स टॉक तो हमने दिया है बट अच्छा। जो हाँ वो तो हमने दिया है और लोगों ने कुछ चीज़ों को उसमें पसंद भी किया है। मुझे जो अच्छा लगता है कि जैसे तमाम सारे हमारे देश में आप देखिएगा कि समाज में हीरोज जनरली कौन लगते हैं, एक तो एंटरटेनर्स है जिनको हम एक समाज ने हीरो बना दिया, बट आप देखेंगे साथ में हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे स्पोर्ट्स पर्सन होंगे, हमारे अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स होंगे, बहुत सारे लोग इच्छुक हैं कि इन लोगों की कहानियों को सुनने के लिए। मैं ये चाहता हूँ कि इन लोगों के साथ जो ज़िंदगी के असली हीरोज़ हैं उनसे मैं बात करूँ और बेसिकली युवाओं को हर, क्योंकि समाज में रियल हीरोज़ को सामने रखने की ज़रूरत है, वो काम करने का इच्छा है। तो जब मौका मिलेगा जानते हैं हमारे बिहार में, मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, वहाँ तो ये सिविल सर्विसेज पास करना ना मतलब ओनली वन एजेंडा होता है, मतलब किसी से पूछेंगे नेशनल लॉबी तो यही होती है। तो आप कुछ कह रहे थे ना कि पॉडकास्ट करेंगे कुछ इस तरीके का, तो मैं ये जो कह रहा था कि आप देखिए समाज में आप यूट्यूब खोलिए, फिल्म एक्टर के बारे में आपको दिखेगा या स्पोर्ट्समैन के बारे में भी कुछ दिख जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बहुत सारे लोग इसमें इच्छुक होंगे कि इंडिया में स्पेस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इंडिया में एजुकेशन में क्या हो रहा है, जो सामाजिक मुद्दे हैं उसको एक एंटरटेनिंग तरीके से जनता के सामने रखे। और बहुत सारे ऐसे हीरो से ज़िंदगी में बहुत कुछ किए हैं उनके साथ वार्ता करके पॉडकास्टिंग करने का मेरा इच्छा है। जब समय मिलेगा तो ऐसे जो रियल हीरोज़ ऑफ लाइफ जिनको कहते हैं उनके साथ मैं, इससे क्या फ़ायदा है, इससे मैं भी उनसे सीखूंगा कि जो रियल हीरोज़ हैं, और समाज में और युवा होंगे और लोग भी अगर उनसे इंस्पायर हो सकते हैं उनसे बात करके। तो आप वहाँ मेरे रोल में आ जाएंगे? यस, उस दिन कभी अगर मौका मिलता है तो आपके साथ हम इंटरव्यू करेंगे। अच्छा। फिर आपकी ज़िंदगी की कथा हम पूछेंगे। नहीं नहीं बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में ना अब आगे ये तो इनके करियर के बारे में कैसे बने हैं, अब थोड़ा सा प्यार परिवार ये सब भी जान समझ लेते हैं सुहास जी। तो आप जो भी कह रहे थे यूपी का दामाद वाली बात, तो मतलब मैं ये राज तो मैम से ही पता चलेगा ना। अरे नमस्कार रितु जी, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। तो अब आप आइएगा तो कहानी पूरी हो जाएगी, अभी तो आपकी जुबानी सुन रहे थे। तो कैसे हुआ ये सब, ये साउथ इंडिया के आप यूपी की, तो ये लव कैसे हुआ? आई थिंक मुलाकात कैसी हुई, कहानी? डेस्टिनी है, डेस्टिनी। ये बहुत पहले मुझे लगता है प्रारब्ध में जो चीज़ होनी होती है वो बहुत पहले लिखी जा चुकी होती है। इट सो हैपेंड कि मैं आगरा में पोस्टेड थी, इत्तेफाकन ही वाज आल्सो देयर। आगरा के डीएम थे आप? मैं वहाँ प्रोबेशनर था। प्रोबेशनर, और मेरी भी पहली उस जगह पोस्टिंग थी। मैं अभी ट्रेनिंग मथुरा से कंप्लीट करके मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, तो दैट्स हाउ मैं जाना भी नहीं बल्कि चाह रही थी, क्योंकि मुझे मथुरा नगरी ज़्यादा अच्छी लगती थी। बट इट सो हैपेंड कि ट्रांसफ़र हो गया, तो अब जहाँ ट्रांसफ़र है वहाँ जाएंगे। तो मैं फिर आगरा तब में गई। एंड इनसे मुलाकात कैसे हुई पहली? मेरी पहली मुलाकात इनसे एक मंथली मीटिंग होती है हम लोग की, उसमें हुई थी। तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैं भी उस ज़िले में एकदम नई थी, और मैं मीटिंग में बैठी तो मेरे बगल में बैठे थे जनाब, बैठे थे जी। तो मुझे लगा कि शायद ये कोई प्राय, ये मैं बताता हूँ, नवंबर 5, 2008, पूरी तारीख याद है आपको? शाम को लगभग 6 बजे जो डीएम साहब की मीटिंग होती है उसमें मैं एज प्रोबेशनर SDM। डीएम साहब कौन थे उस वक्त? डीएम सर अनिल कुमार सर थे। अच्छा। तो वो मीटिंग में मैं यहाँ बैठा था और सामने से मोहतरमा आई और बैठी, तो मुझे लगा कि उस वक्त
कि अगर इस लड़की की शादी नहीं हुई तो मैं इसे शादी कर लूंगा, मेरा पहला रिएक्शन था। अच्छा। और मैं इनफैक्ट जब मीटिंग खत्म हुई तो मैं बाहर आके जैसे इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो जब मैंने इनसे पहले ही प्रश्न पूछ भी लिया था कि क्या आपकी शादी हुई है, उसके बाद आगे ये मैंने उस वक्त अभी जब पीछे मुड़ के देखते हैं मुझे लगता है कि ये बहुत बेवकूफ़ी वाली बात थी, बट जैसे कहते हैं कि ये इंग्लिश में एक मूवी है, मैं कहता हूँ देखनी चाहिए, सेरेंडिपिटी। अच्छा। उसका मतलब है स्ट्रिंग ऑफ फॉर्चुनेट एक्सीडेंट्स, मतलब एक अच्छी कोइंसिडेंस ज़िंदगी में कैसे होता है। तो मैं कभी ज़िंदगी में सोचता नहीं था कि मैं उत्तर भारत जाऊंगा या उत्तर भारत की लड़की से शादी करूंगा, बट जो हमें ऐसे जो कोइंसिडेंस होती है लाइफ में तो हुआ। तो प्रपोज रितु जी आपने किया कि इन्होंने किया? मैं तो सवाल ही नहीं उठता। मैं तो पहली बार जब ये मीटिंग में मिले तो मुझे लगा कि कोई ये कोई प्राइवेट कंपनी टाइप के ही कोई लग रहे हैं, सरकारी तो ये ऑफिस बैठने कौन है ये। तो उसके बाद मैंने बताया कि ये जॉइंट मजिस्ट्रेट नए आए हैं। हाँ। और ऐसे पहले प्रश्न उत्तर के बाद मतलब मेरा विदव पहला ही फर्स्ट इंट्रोडक्शन में इन्होंने मन की बात कह दी, तो इट वाज कहीं नहीं मैंने पूछ ली, टटोल ली कि ऐसे तो नहीं, आपने होमवर्क कर लिया। हाँ। मतलब उस वक्त जो दो और लोग खड़े थे वो लगभग गिर गए, क्योंकि इस तरह की चीज रुबड़ियास। और मैं भी बहुत इस चीज को लेकर अपसेट हुई कि ये कैसी मतलब मीटिंग के बाद मतलब ये कैसी बात अजीब सी हो गई है। तो उसके बाद में बगैर इस क्वेश्चन को आंसर के बाद में फिर मैं वापस निकल गई थी, बट मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। बट बाद में धीरे धीरे हम एक दूसरे के परिवार से ऐसा रहा कि इलेक्शन रहे, मीटिंग रही, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप थोड़ा समय स्पेंड किए तो फिर यू रियलाइज कि यू नो द पर्सन बेटर। तो सर ये फाइनली फिर डिसीजन कैसे हुआ, आपने अपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया, इन्होंने कैसे कन्विंस किया, एंड फाइनली आप लोगों की शादी भी? हम लोगों ने ये तय किया था कि जब एक दूसरे को हम पसंद किए, हम लोगों ने ये तय किया था कि जब शादी होती है वो दो परिवारों की होती है, तो सिर्फ दो व्यक्तियों की नहीं होती है, तो अगर परिवार भी पसंद करते हैं तब हम आगे जाएंगे। तो वो भी हम फॉर्चुनेट मानेंगे कि जब हमारे परिवार इनके परिवार को देखने आए और यहाँ से वहाँ गए तो एक दूसरे को पसंद किए लोग। तो बट जनरली होता क्या है कि थोड़ा बहुत तो हिचक रहती है क्योंकि अलग कल्चर रहती है, तो ये कैसे एडजस्ट करेंगी या हम कैसे एडजस्ट करेंगे। बट देन आज की तारीख में जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि क्रॉस कल्चर से मुझे बहुत सीखने को मिला इनके कल्चर से, और मेरे घर में आज की तारीख में मेरे बच्चे आप विश्वास नहीं करेंगे कि वो जितनी फ्लुएंटली कन्नड़ा और हिंदी बोलते हैं उतनी फ्लुएंटली वो भोजपुरी बोलेंगे, क्योंकि मैं पूर्वांचल में जिलाधिकारी रहा हूँ और कन्नड़ा भी बोलते हैं। आप भोजपुरी बोलती हैं? मैं कुछ कुछ बोल लेती हूँ और समझ पूरी अच्छी तरह से लूँगी, आप जो बोलेंगे मैं समझ। तो हम भोजपुरी बोलने वाली आप बोल लेते हैं? मैं इतना नहीं बोल पाता हूँ, हम समझ लेते हैं, मेरे बच्चे समझते हैं, तो आप ये वो भोजपुरी अच्छे से बोलते हैं, बोलिए ठीक बात, और कन्नड़ा भी बोलते हैं अच्छे से। अरे वाह। तो ये मुझे लगता है आज की तारीख में ये जो कल्चर्स को एम्ब्रेस जो हम लोग करते हैं उससे हम लोगों की लाइफ में भी और ये एनरिचनेस हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता इडली डोसा भात दाल आलू के चोखा में झगड़ा होता है या घुगनी और चूड़ा वाला, आप तो जानती होंगी। मैं बिल्कुल समझ गई। हमारे घर में इडली और बाटी चोखा दोनों उतने ही प्यार से खाया जाता है। गजब डेडली कॉम्बो आपने कहा। ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप लोगों की शादी भी, आप तो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी गई थी कहीं मैंने पढ़ा जी, उसका कैसे हुआ? इट सो हैपेंड ऐसे ही, बहुत कुछ ऐसा नहीं था। ये है कि शुरू में बच्चे छोटे थे, थोड़े से बच्चे और बड़े हुए, तो एक वो रहता है कि चलिए कुछ एक चीज़ का और जो शौक था वो चलिए ट्राई आउट करते हैं। तो ट्राई आउट करने के लिए गए, थोड़ी तैयारी की, बहुत ज़्यादा बताया नहीं क्योंकि मतलब आसपास होता है ना क्या कर रहे हैं लोग अब, बट नंदलेस तैयारी किया, अच्छे से किया, एंड यू एंजॉयड इट, एंड रियली एंजॉयड इट, और इट वाज मोर ऑफ लर्निंग। पेजेंट इटसेल्फ जीतना बड़ी बात नहीं है, उसमें 60 लेडीज़ 6-7 दिन रुकते हैं ग्रूमिंग में, यू लर्न सो मच, और एक किस्म से दोबारा कह लीजिए वो जो जैसे कॉलेज लाइफ का पुनर्जीवन हो जाता है, जब 6 दिन आप सिर्फ लेडीज़ मतलब बाल बच्चा छोड़ कर जाते वहाँ पे, मतलब सिर्फ जो कंटेस्टेंट्स है वही रहते हैं, तो यू एकदम से वापस रेट्रो, आप अपनी वापस पुरानी लाइफ में लगते हैं, तो यू रियली एक्चुअली एंजॉय हमेशा, और फिर अपने लिए टाइम आप उस वक्त स्पेंड करते हैं। हर चीज़ की समय होता है, जब कोई चीज़ आपको अगर मन करता है वो उस वक्त कर देना चाहिए, अगर पीछे मुड़ के अगर कभी भी रिग्रेट नहीं होनी चाहिए, कि ये बहुत बार हम सोचते हैं
जो प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो वो ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट वो एक कंफर्ट जोन में रहते हैं कि शायद अगर मैं ये करूँ तो कहीं उस कंफर्ट जोन को तकलीफ ना हो जाए। थोड़ा अगर कंफर्ट जोन से बाहर आके कोशिश कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ना तो है ही, कोशिश करके फेल हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी वर्किंग, ये भी वर्किंग, और मान लीजिए कभी ऐसा हो जाए कि एक की पोस्टिंग मान लीजिए आगरा हो जाए, एक की पोस्टिंग गाजीपुर हो जाए, ऐसे भी सिचुएशन तो होते हैं कि आप दोनों की अलग अलग पोस्टिंग। वो अभी है, पिछले दो साल मैं लखनऊ में थी, ही वाज इन नोएडा, मैं लखनऊ में थी, तो मेरे साथ में मदर इन लॉ वगैरह ये लोग रहते हैं तो फैमिली सपोर्ट रहता है, तो वी ट्राई टू मेक इट आउट। और मतलब हम मैं स्पेशली बच्चे इनको ज़्यादा मैं फोकस ध्यान देती हूँ कि बिकॉज ये जॉब अपने आप में इतनी कह लीजिए जवाबदारी जिसको बोलेंगे है, डिमांडिंग है, तो वी ट्राई कि उसमें मतलब बच्चों का थोड़ा सा वो चीज़ मिस ना हो जाए, तो इसलिए पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स लखनऊ में बाई चांस मेरे पेरेंट्स भी थे, मेरी मदर इन लॉ भी थी, तो एक देर ऑलवेज। तो आप तो अभी ADM हैं गाज़ियाबाद में, आप DM हो गए तो अभी थोड़ा सुकून है। सुकून क्या, देखिए जनरली परिवार के लिए मैं तो ये मानता हूँ कि हम इतना समय पहले भी नहीं दे पाते थे, अभी भी नहीं दे पाते हैं, तो जो परिवार में जो वाइफ होती है, महिला है, तो वही एक तरह से मुख्य स्तंभ होती है। तो आज की तारीख में घर में जो भी होना होता है तो वो निर्णय सारे मैंने इन्हीं को छोड़ के दी है, तो इसलिए बच्चों को भी पता आपने दे दिया। यस, तो क्योंकि बाकी जो हम बाकी चीज़ों में इतना व्यस्त रहते हैं तो घर में कहीं ना कहीं उतना समय नहीं दे पाते जितना हम खुद चाहते हैं। कभी झगड़ा हुआ तो सॉरी पहले कौन बोलता है? देखिए सॉरी हमेशा हम ही बोलते हैं। और ये देखिए ये मैच्योरिटी है, हमें पता है कि हो सकता है हम सही है, हो सकता है हम गलत हैं, बट आपको सॉरी बोलने का तात्पर्य है कि हम आपसे जो रिश्ता है उसको ज़्यादा वजूद दे रहे हैं, ना कि कौन सही है कौन गलत है। बहुत अच्छा लगा मैम बात करके, कम से कम ये वाला आस्पेक्ट आपका जानकर, थैंक यू, थैंक यू। पर कुछ और अभी बाकी है, वो भी हम देखेंगे। सुहास LY की लाइफ के कई सारे आस्पेक्ट्स हैं। तो सोच रहा था मीटिंग में फंसे रहे होंगे आप, तो यहाँ मिल गए मुझे बैडमिंटन कोर्ट में। देर रात को आते हैं, आपको सुहास LY रात में 9-10 बजे के बाद बैडमिंटन कोर्ट में मिलेंगे। कैसे मैनेज करते हैं? यही घर परिवार ऑफिस फील्ड ड्यूटी और ये आपका हॉबी? देखिए जनरली जो जिलाधिकारी की ड्यूटी है वो रात में 9-10 बजे से पहले तो ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए जनरली जो रात में 10 बजे के बाद की जो टाइम है प्रतिदिन जनरली, तो उस वो हमारे लिए बैडमिंटन के लिए हम जनरली रखते हैं, तो परिवार को इतना टाइम नहीं दे पाता है, वो एक रिग्रेट रहता है। आप तो बोले कोई रिग्रेट नहीं रखना चाहिए। हाँ, बट ये एक रिग्रेट अगर मुझे है कि मैंने ओलंपिक के लिए जो समय शायद मैं अदरवाइज परिवार को देता और लोग देते भी हैं, वो मैंने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैंने बैडमिंटन को दिया। तो बहुत बार लगता है कि जैसे और लोग अगर फिल्म देखते होंगे या बच्चों के साथ खेलते होंगे तो कहीं ना कहीं मैंने वो टाइम एक तरह से सेक्रीफाइस करके बैडमिंटन को दी है, बट सब कुछ ज़िंदगी में नहीं मिलता। कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं अभी? वो जनरली अभी तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी जब सेंसिटिव ड्यूटी में रहते हैं और अभी कोई टूर्नामेंट भी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 2024 में तो पैरा ओलंपिक है पेरिस में, बहुत टाइम है 2024 के लिए, अभी लगभग 1-1.5 घंटे प्रतिदिन दे पाते हैं, और अगर टूर्नामेंट्स रहता है उस वक्त थोड़ा सा हम लोगों की जो ट्रेनिंग शेड्यूल है काफ़ी एक स्ट्रिक्ट हो जाती है, डिसिप्लिन बहुत होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एक अफसर और एक स्पोर्ट्स दोनों का मतलब आप कह सकते हैं संगम है, तो अभी तक तो आपने सिल्वर जीत लिया पैरा ओलंपिक्स में, पूरे देश भर में नाम हुआ, पर एक गोल्ड जो है वो सबसे बड़ा होता है। आप सही बात है कि गोल्ड हम नहीं जीत पाए, सिल्वर जीते, और जैसे कायनात ने सामने तक लाके दे दिया और उसके बाद छीन भी लिया गोल्ड को। अच्छा, तो कहीं ना कहीं इसीलिए जो आग लगी है कि आगे और कोशिश करना है। ओलंपिक में पैरालंपिक में गोल्ड जीतना आसान नहीं होता है, और जैसे मैंने कहा है कि कोशिश तो करेंगे 2024 में, तो उसमें 2023 में कुछ टूर्नामेंट्स खेलने होंगे उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए। स्पोर्ट्स में क्या है कि जब भी आप नया टूर्नामेंट शुरू करते हैं 0-0 से शुरू होता है। अच्छा। तो पहले जब भी हम जो भी हमारा परफॉर्मेंस रही है मेरा हो या नीरज चोपड़ा नंबर 2 प्लेयर है, तो अब तो हमारा रैंकिंग काफ़ी नीचे भी आ गया क्योंकि मैंने टूर्नामेंट्स नहीं खेली है,
तो जब भी हम नए टूर्नामेंट में जाते हैं वहाँ तो जब मैच शुरू होता है तो 0-0 से ही शुरू होता है, तो उस वक्त इसलिए प्रतिदिन एक नया दिन है, तो देखते हैं कि सब लोग तैयारी भी करेंगे तो हम लोग भी तैयारी करेंगे। बताइए कि जैसे आपने कहा आप इंजीनियर थे, सोचा नहीं था IAS बनेंगे और फिर IAS बन गए, और ये वाला कब शुरू हुआ, कब ये क्लिक किया कि नहीं भाई हम यहाँ कुछ कर सकते हैं? मैं ये मानता हूँ कि आप देखिए देश में आप किसी भी लड़के या लड़की को पूछिए कि बचपन में आप क्या करते थे, सब लोग आपको कहेंगे कुछ ना कुछ खेलते थे, आप भी कुछ ना कुछ खेले होंगे। हम तो गोली डंडा खेलते खेलते गोली डंडा भी एक स्पोर्ट है, कोई कबड्डी खेल लिया, कोई खो खो खेल लिया, कोई वॉलीबॉल खेल लिया, कोई शुरुआत से बैडमिंटन खेलते नहीं, शुरुआत से नहीं खेलते थे, शुरुआत से क्रिकेट खेलते थे। अच्छा, तो बाद में बैडमिंटन की शौक, पसंद तो बैडमिंटन पहले से था बट इंडोर कोर्ट्स वगैरह हर जगह मिलती नहीं थी, तो जब से IAS एकेडमी में मैंने शुरू किया खेलना। अच्छा, तो मसूरी में जब शुरू किया, एक दिन मैं वैसे ही वहाँ जो शौकिया खेलते हैं तो मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, गलत फहमी थी। तो हमारे एक कोच थे वहाँ, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के MM पांडे जी थे, उन्होंने कहा कि आओ मैं 5 मिनट खिलाता हूँ, तो वो एक जगह खड़े हो गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हें चारों कोने पे मारूंगा, तुम वापस मारना। 5 मिनट पर हाँफने लगे, उन्होंने कहा तुम्हें पता चल गया तुम ठीक खेलते हो बट ये गलत फहमी मत रखना, तुम अच्छा खेलते हो, अगर खेलने का अगर शौक है, अच्छा खेलना है, तुम इम्प्रूव करना। तब मुझे लगा कि हाँ मुझे अपनी गेम को इम्प्रूव करनी चाहिए, और बाद में जब मैंने महसूस किया कि जब मैं गेम खेलता था मुझे अच्छा लगता था, ये खुशी देती थी। एंड इनफैक्ट मैं सबको ये कहता हूँ कि आप दिन में जो 1-1.5 घंटा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, बाकी दिन का जो आपकी जो भी दिनचर्या रहेगा उसमें बहुत एफिशिएंटली काम करेंगे। अब ये उनके लिए भी है जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए है, प्राइवेट नौकरी करते हैं। लोग कहते हैं कि देर रात तक पढ़ते रहते हैं, सवेरे 10 बजे 11 बजे उठते हैं। आप एक पेंसिल में लिखते रहिएगा तो अगर उसको दोबारा शार्पन ना करिएगा तो आप लिखते ही रहिएगा, आपकी जो लिखत है वो इतनी सुंदर नहीं होगी। अगर आपको लिखत सुंदर रखनी है और आपकी अगर डिलीवरी एफिशिएंट रखनी है, आपको डेली 1 घंटे फिजिकल फिटनेस के लिए हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, वो जो भी नौकरी में हो या जितने भी बड़े कंपनी का CEO क्यों ना। देश में तो हजारों ब्यूरोक्रेट हैं, IAS IPS सब लोग, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मौका, ये आपको तो बैडमिंटन की बदौलत हुआ, कौन सी बात उन्होंने ऐसी कही जो आपको लग गया कि हाँ? उन्होंने जब हम लोगों की ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने ये कही थी हम लोगों को, उन्होंने एड्रेस किया था, उन्होंने कहा कि आपके सामने कौन खिलाड़ी रहेगा ये मत सोचना। अच्छा, आप अपनी बेस्ट देंगे। तो मुझे लगता है ये मंत्र जिंदगी की हर परीक्षा के लिए, खेल की, ओलंपिक की हर परीक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए भी। इनफैक्ट मैं जब वापस आठ के मेडल मिला तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को बताई कि जब मैं 2018 में एशियन गेम्स हुआ था जकार्ता में, उसमें मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिली थी, मैं क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के खिलाड़ी से हार गया था, इस बार सेमीफाइनल में वही खिलाड़ी मेरे सामने था, अगर मुझे मेडल लेना था तो वो सेमीफाइनल मुझे टोक्यो में जीतना आवश्यक था। तो जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र था, सामने कौन है इसको आप भूल जाओ, सामने हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड प्ले योर नेचुरल गेम। मैं सामने कौन है सोचता तो मैं जकार्ता में हारा था, मुझे वो याद आती, बट यही एक तरह से कि सोच के खेला, तो जैसे कहते हैं कि उसके बाद सफलता हाथ में लगी। तो बहुत अच्छा लगा सुहास जी, मतलब एक फाइन ब्लेंड ऑफ इंजीनियरिंग ब्रेन, अ ब्यूरोक्रेट, अ गुड हस्बैंड एंड गुड फादर आल्सो आई बिलीव। आई डोंट नो, ये देखिए ये सर्टिफिकेट हमें खुद को नहीं देना चाहिए, गुड हस्बैंड या गुड फादर तो और लोग परिवार वाले बताएंगे, बट मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वेदर इट इज़ रिगार्डिंग एन ऑफिसर और ए स्पोर्ट्स पर्सन और बाकी जो भी है, आई हैव ट्राइड टू बी गुड एट इट। मतलब मैं और लोगों को भी यही कहता हूँ भाई, प्रयास होनी चाहिए, कभी आप अच्छा कर पाओगे कभी नहीं कर पाओगे वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, बट प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। बहुत अच्छा मिल के लगा, और सबसे बड़ी बात भले ही 2 साल बाद हो लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं कि इस बार आप सोना लेकर के आएंगे 2024। देखिए कोशिश तो मैं ज़रूर करूंगा, मैं आपके माध्यम से युवाओं के लिए एक बात ज़रूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग भी जब छोटे थे, मैं आज की तारीख में भी सोचता हूं काश मैं उस वक्त थोड़ा और कॉन्फिडेंट होता तो और जल्दी और कुछ हासिल कर लेता। ज़िंदगी ऐसे होती है कि मैं, ये मेरी कविता नहीं है, ये मुझे जो प्रेरणा देती है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने कोशिश बहुत की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आपके अंदर की चिराग जलते रहना चाहिए, कोशिश करिए, कभी हार कभी जीत लगी रहती है जिंदगी। फिल्में भी देख लेते हैं आप,
कभी कभी देख लेते हैं, जनरली जब गाड़ी में जाते हैं तो उस वक्त कभी आईपैड में या लैपटॉप में फिल्म देख लेते हैं। कौन है आपका बेस्ट फेवरेट? ऐसे कोई फेवरेट करके इधर तो मैं देख नहीं पाया हूँ, बट पहले जैसे मुझे अभी याद है कि जब बचपन में देखते थे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखते थे तो हाँ बहुत अच्छा लगा था। और फिल्म इतना मैं नहीं देख पाता हूँ जितना शायद मैं और चाहूँगा, बट ज़िंदगी में जैसे मैंने कहा सब कुछ नहीं मिलता है, काम, बैडमिंटन, एक तरह से बैडमिंटन ही मेरा प्यार है फिल्म के बदौलत। क्या बात कही आपने, चिराग जलती रहनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो ये थे सुहास एलवाई। फिर हम बात करेंगे किसी ऐसे एक ब्यूरोक्रेट से, उनके तमाम पहलुओं के बारे में जानेंगे, वो आपको ये भी बताएंगे कि आप उनकी तरह कैसे बन सकते हैं। तो इस कड़ी में बस इतना ही, नमस्कार।